हेलो स्टूडेंट्स, शिखर आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्लॉक का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्लॉक का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था और पार्ट सेकंड में मैं आप लोगों को मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक एंड वाटर टाइम ऑफ द क्लॉक और टाइम को एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंगल को टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका कन्वर्जेशंस। तो किसी भी घड़ी का दर्पण समय और किसी भी घड़ी का जल समय हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक, अगर देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपने आप को दर्पण में देखा है, यानी कि मिरर में देखा है। मिरर में देखते हैं तो हम होता क्या है, हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट में दिखता है एंड राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट में दिखता है फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। दैट इज कॉल्ड मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक। वो घड़ी का क्या है, दर्पण समय है। अगर मैं वाटर टाइम ऑफ द क्लॉक की बात करता हूँ, किसी भी घड़ी का जल समय, तो हमारा अपर पार्ट लोअर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और लोअर पार्ट अपर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। दैट इज कॉल्ड वाटर टाइम ऑफ द क्लॉक। वो किसी भी घड़ी का जल समय होता है। तो अब हम बात करते हैं मिरर टाइम। अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि किसी घड़ी में 9:25 हो रहा है, 9:25 हो रहा है, 9:25 हो रहा है, तो उस घड़ी का जल समय क्या होगा, देन व्हाट इज द मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक। तो किसी भी घड़ी का जल समय निकालने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ये। 1160 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1160 का फंडा क्या है, 1160 का मतलब है 11 घंटे 60 मिनट। 11 घंटे 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 12 घंटे, क्योंकि AM PM जो भी चेंज होता है वो 12 घंटे में चेंज होता है, इसलिए हम 12 घंटे में से उसको घटाते हैं। 12 घंटे का मतलब होगा 1160। तो मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक, अगर मैं क्लॉक बनाता हूँ, देखो 9:25 में आप लोगों को शो कर रहा हूँ, क्लॉक बना दिया मैंने, ये क्लॉक है 12:06:93, ये क्लॉक है। अब मैं कह रहा हूं कि 9:25 हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 9:25। छोटी वाली सुई घंटे की सुई और बड़ी वाली सुई मिनट की, आवर्स निडल एंड मिनट्स निडल। तो मिरर टाइम क्या होगा, मैंने यहां पर मिरर बना दिया, दिस इज द मिरर। अब देखिएगा मैं क्लॉक बना रहा हूं, तो 9:25 है, तो 9:25 देखिएगा कैसे होगा। मैंने क्या बोला, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट में और राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट में, मैं मिडिल यहां पर देख रहा हूं। मिडिल क्या होगा, 12:06 के बीच में होगा, तो 9 है तो ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये आर्स निडिल कहां जाएगी, घंटे की सुई इधर आ जाएगी। ये 5 में है तो ये कहां चला जाएगा, 7 में। तो मिनट्स निडिल कहां जाएगी, यहां जाएगी। अगर किसी घड़ी में 9:25 हो रहा है, 9:25 हो रहा है, तो इसका मिरर टाइम क्या हो जाएगा, 2:35। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट में कन्वर्ट हो गया एंड राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट में कन्वर्ट हो गया फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। तो अगर हम इसकी ट्रिक यूज करें तो हम क्या करेंगे, 1160 में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 9:25। दिस इज द मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक। ये क्या है, मिरर टाइम है, घड़ी का दर्पण समय। तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 तो यहां पर 5 में से 2:35, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2:35। तो मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक, किसी भी घड़ी का दर्पण समय निकालने के लिए हम 1160 में से उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम वाटर टाइम की बात करते हैं, अगर कोई अनदर टाइम आप लोगों को गिवन हो और उसका मिरर टाइम निकालना हो, तो मिरर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 1160 में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि किसी घड़ी में 4:25 हो रहा है, 4:25 हो रहा है, तो इसका मिरर टाइम क्या होगा, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 1160 में से मैं क्या करूंगा, 4:25 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बस ये सब्ट्रैक्ट करना आप लोगों को आना चाहिए, 10 में से 5 और 5 में से 2:35, तो कितना आ जाएगा, 7:35। यानी कि किसी घड़ी में 4:25 हो रहा है, इफ द क्लॉक टाइम इज 4:25 देन मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक। यदि किसी घड़ी में 4:25 हो रहा है, तो उस घड़ी का दर्पण समय क्या होगा। एक नंबर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस घड़ी का मिरर टाइम क्या होगा, 7:35 होगा। अगर ऐसे ही अब हम वाटर टाइम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर टाइम की अगर मैं बात करता हूं, किसी भी घड़ी का जल समय क्या होगा, तो वाटर टाइम का मतलब क्या होता है,
जल समय। तो अगर मैं कहता हूं कि किसी घड़ी में 8:15 हो रहा है तो इसका जल समय क्या होगा, तो जल समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं क्लॉक बना दे रहा हूं, ये 12 है, ये 6 है, ये 9, 3, 1, 2, तो 8:15। अब मैं यहां पर बता रहा हूं किसी घड़ी में कितना हो रहा है टाइम, 8:15, तो 8:15 कैसे होगा, 8 पर आर्स वाली नीडिल होगी और मिनट्स वाली नीडिल कहां जाएगी, 3 पर, 8:15 हो रहा है। तो मिरर टाइम देखो, यहां पर जो मिरर वाटर टाइम निकालने के लिए मिरर हम यहां पर क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, मिरर टाइम निकालने के लिए मिरर को हम यहां पर वर्टिकली लगाते हैं। तो अब देखिएगा कितना हो रहा है, 8:15 है, तो 12, 6, 9, 3 तो 8:15 है। अब हमें क्लॉक को हॉरिजॉन्टली देखना है, तो 8 यहां है, तो अब कहां चले जाएगी आर से निडिल, 10 पे चले जाएगा और मिनट से निडिल 15 पे रहेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, 10:15, 10:15, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, 10:15। लेकिन एक ट्रिक याद रखेंगे आप लोग, वाटर टाइम निकालने के लिए किसी भी घड़ी का अगर आप लोगों को जल समय निकालना है तो हम उसको 18:30 में से सबट्रैक्ट करते हैं। तो अभी देखिएगा 8:15 है, तो 18:30, ट्रिक याद रखेंगे 18:30, तो 18:30 में से मैं 8:15 सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5:01, तो 10:15। किसी भी घड़ी का जल समय निकालने के लिए देखिएगा, वाटर टाइम मैंने क्या बोला, अपर पार्ट लोअर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और लोअर पार्ट अपर पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स फ्रॉम द मिडिल पॉइंट। तो देखिएगा अपर पार्ट यहाँ का पार्ट देखिएगा, यहाँ चला गया, लेकिन ये क्या है, सीधी रेखा में, तो 3 पे 3 ये रहेगा मिनट की स्वीप। इसका मतलब क्या है, 8:15 हो रहा है तो इसका वाटर टाइम 10:15 होगा। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी क्लॉक का जो समय है, क्लॉक का समय माना 3:45 हो रहा है, 3:45 हो रहा है और हमें इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है वाटर टाइम, यानी कि जल समय निकालना है। तो वाटर टाइम हम कैसे निकालेंगे, 18:30 में से मैं 3:45 सबट्रैक्ट कर दूंगा स्टूडेंट्स। किसी भी घड़ी का जल समय निकालने के लिए हम 18:30 में से सबट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जल समय जो होता है लगभग 3 गुने के टर्म्स में होता है, 6 3 18 होता है ना, इसलिए ट्रिक है 18:30। अब देखिएगा 30 मिनट्स में से 45 मिनट सबट्रैक्ट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 आवर्स लेंगे, यानी कि 1 आवर्स का मतलब होगा 60 मिनट्स, 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स कितने मिनट हो जाएंगे, 90 मिनट्स, और यहां पर कितना आ जाएगा, 17। 18:30 का मतलब होगा, इस 18:30 का मतलब होता है 18 घंटे 30 मिनट, 18 घंटे 30 मिनट का मतलब होगा 17 घंटे 90 मिनट, क्योंकि यहां पे सबट्रैक्ट नहीं हो रहा। अगर ये सबट्रैक्ट हो जाता, माना ही 45 मिनट्स जो होते हैं ये 30 से कम होते, तब पहले हम 18:30 से ही सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखिएगा 8:15 जो है 30 से सबट्रैक्ट हो गया था, 18:30 को हम 90 लिख सकते हैं, लेकिन जब सबट्रैक्ट होगा तभी सबट्रैक्ट करेंगे। अगर यहां पर ये सबट्रैक्ट नहीं होता, माना ये यहां पर 30 से बड़ा हो जाता, तब यहां पर मैं 1790 लिख देता इसको, तो 1790 में से मैं क्या सबट्रैक्ट करूंगा, 3:45 को सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसका वाटर टाइम आएगा, देखो 10 में से 5, अब यहां पर कितना बचा, 8 में से 4, तो यहां पर देखिएगा कितना, 7 में से 3, 4, ठीक है, तो यहां पर 1, 14, 45 का मतलब क्या होगा, 14 को हम क्या बोलते हैं, 2:45, 13 को 1, 14 को 2, यदि किसी घड़ी में 3:45 हो रहा है तो उसका जल समय क्या होगा, वाटर टाइम ऑफ द क्लॉक 2:45 होगा। तो ये ट्रिक है स्टूडेंट्स, मिरर टाइम ऑफ द क्लॉक एंड वाटर टाइम ऑफ द क्लॉक निकालने की ट्रिक्स हैं। किसी भी घड़ी का मिरर टाइम निकालने के लिए हम 1160 में से सबट्रैक्ट करेंगे और किसी भी घड़ी का वाटर टाइम निकालने के लिए, यानी कि जल समय निकालने के लिए, हम 18:30 में से सबट्रैक्ट करेंगे। अगर 18:30 से सबट्रैक्ट नहीं होगा तो अब हम 1790 से सबट्रैक्ट करेंगे, पहले हम 18:30 से ही करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्लॉक में देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई थी, 3 चीजें होती हैं, संपाति, विपरीत और समकोण। संपाति का मतलब होता है ओवरलैप, और विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, और समकोण का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था एंगल को टाइम में कैसे कन्वर्ट करना है, आज आप टाइम को एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है, दोनों का कन्वर्जेशन सीखेंगे। आप लोगों को एंगल दिया जाएगा और आप टाइम निकालोगे। एंगल कैसे गिवन होगा, एंगल 3 टर्म में गिवन होगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, क्या, ओवरलैप, अपोजिट एंड परपेंडिकुलर, यानी कि संपाति, विपरीत और समकोण।
तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक मैं पहले नोट कर देता हूं, एम बराबर होता है 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। आप लोगों को एंगल गिवन होगा और आप लोगों को टाइम निकालना है, आप लोगों को एंगल गिवन होगा और आप लोगों को टाइम निकालना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होंगी। संपाति का मतलब होता है क्या स्टूडेंट, संपाति का मतलब होता है एक के ऊपर एक, भाई एक के ऊपर एक होगी, घंटे की सुई मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर होगी तो एंगल क्या होगा, जीरो। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता रखा है ऐसा क्यों होता है और उसका रीजन भी बताया है, उसको जस्टिफाई भी किया है। तो 4 से 5 बजे के बीच क्वेश्चन है, 4 से 5 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होती हैं। तो देखिएगा हम क्या यूज करेंगे आंसर, मैं मान लेता हूं, हम लेट कर लेते हैं, माना 4 बजकर m मिनट में घंटे की तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होती हैं। 4 बजकर m मिनट में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होती है। m हम कहां से निकालेंगे, यहां से। तो m बराबर क्या यूज करेंगे हम, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। तो संपाति का मतलब क्या होगा, कहीं पर भी संपाति दिया जाएगा स्टूडेंट, संपाति यानी कि ओवरलैप। संपाति के लिए एंगल कितना होता है, एंगल 0 डिग्री होता है। तो m बराबर कैसे निकालेंगे हम, 2/11 30h, h की जगह पर क्या होगा, जो कम वाला होगा 4 से 5 बजे के बीच, देखो 4 से 5 बजे के बीच है तो h क्या होगा, 4 होगा, 4 to 5, 5 to 6 कहता तो h 5 होता, क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच जो भी टाइम होगा वो 4 बजकर m मिनट होगा, 4 बजकर कुछ मिनट होगा, इसलिए हम h को 4 लेते हैं यहाँ पर। तो 30h की जगह पर 4 प्लस माइनस एंगल क्या होगा, संपाति के लिए एंगल क्या होता है, ओवरलैप के लिए 0। तो देखिएगा m बराबर क्या आ जाएगा, 2/11 3/4 12 120, यानी कि 240/11 आ गया। 240/11 को हम लिख सकते हैं 21 सही 9/11, 21 होल 9/11। आप डिवाइड कर लेना 21 होल 9/11, यानी कि m की वैल्यू ये आ गई 21 होल 9/11। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। m की जगह पर हम ये यूज करेंगे, m की जगह पर ये आ गया, यानी कि 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होंगी। When the times becomes 24 21 होल 9/11, then hours needle and minutes needle are overlap to each others। तो overlap कहीं पर भी आएगा तो एंगल आप लोगों को जीरो लेना है स्टूडेंट्स। अगर यहां पर क्वेश्चन होता, माना 8 से 9 बजे के बीच किस समय, अगर क्वेश्चन होता 8 से 9 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होती हैं, फिर से हम संपाति यूज कर रहे हैं, ओवरलैप यूज कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैंने चेंज कर दिया है, 8 से 9 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होती हैं। तो h की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, आंसर हमारा क्या होगा, 8 बजकर m मिनट। तो हमारा m बराबर क्या आ जाएगा, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। संपाति के लिए एंगल क्या होगा, 0। m बराबर 2/11 30 × h की जगह पर क्या होगा, 8 प्लस माइनस एंगल क्या होगा, 0। तो m बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2/11 8 3 = 24 240, यानी कि कितना आ जाएगा, 480/11। अब 480/11 है तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 11 4 80 11 4 = 44, तो ये 4 आ गया, 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11 3 = 33 7। अब डिवाइड नहीं होता, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 43 होल 7/11, तो हमारा क्या हो जाएगा, 43 होल 7/11। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 बजकर 43 होल 7/11 मिनट में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के संपाति होंगी स्टूडेंट्स। और ओवरलैप का एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही है, ओवरलैप की बात चलिए। देखिएगा अब जो मैं फंडा बताने जा रहा हूँ, व्हेन द एंगल, एंगल जब क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री होगा, तो हमारे दो आंसर होते हैं, एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर और एक बार हम नेगेटिव लेते हैं। अब देखिएगा अगर एंगल हमारा क्या होगा, पहली कंडीशन है एंगल छोटा होगा 90 डिग्री से या 90 डिग्री के बराबर होगा, दो कंडीशन है।
व्हेन द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री और इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब हम क्या करेंगे, आंसर दो देंगे, दो टर्म में आंसर देंगे, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार हम नेगेटिव लेंगे। अब व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब एंगल क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो, बड़े होने की कंडीशन है, इक्वल की नहीं है यहां पर। व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो आंसर एक होगा, कंडीशन वन। कंडीशन वन क्या रहेगी, कंडीशन वन है जब व्हेन द 30h इज ग्रेटर देन एंगल तब हम माइनस करेंगे। कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर टू, व्हेन द 30h इज लेस देन एंगल तब हम प्लस करेंगे। अब या तो हमें ये करना है या तो ये करना है, यहां पर क्या करना है, मैं दोनों करना है, दो आंसर देने, ठीक है, क्योंकि क्यों देने दो आंसर, मैंने अभी आप लोगों को बताया प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां दो बार एक दूसरे के समकोण होती हैं, इसलिए 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे के समकोण होंगी, एक दिन का मतलब है 24 घंटे में, 24 घंटे में 44 बार एक दूसरे के समकोण होंगी, तो प्रत्येक घंटे में दो बार एक दूसरे के समकोण होती है, इसलिए हमें दो आंसर देने। तो दो आंसर हम कैसे देंगे, देखिएगा, पहले हम दो आंसर का एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 5 से 6 बजे के बीच, व्हेन द टाइम बिटवीन 5 एंड 6, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी। व्हेन द टाइम बिटवीन 5 एंड 6, इन विच टाइम आवर्स नीडल एंड मिनट्स नीडल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 5 से 6 बजे के बीच बोला है, तो एच की वैल्यू तो भाई 5 होगी, क्योंकि आंसर हमारा क्या होगा, 5 बजकर m मिनट, आंसर क्या होगा, 5 बजकर m मिनट। तो 5 बजकर m मिनट होगा स्टूडेंट, तो m बराबर क्या होगा, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। तो m बराबर 2/11 30 × h की जगह पर क्या है 5 प्लस माइनस एंगल कितना है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, समकोण। परपेंडिकुलर के लिए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर कहीं पे भी कहेगा तो एंगल 90 डिग्री, संपाती कहेगा तो एंगल 0 डिग्री, और विपरीत कहेगा यानी कि अपोजिट कहेगा तो एंगल 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 2/11 3 × 5 = 15 प्लस माइनस 90। तो अब देखिएगा m बराबर, तो अब मैं एक बार क्या लूँगा, पॉजिटिव, अभी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो m बराबर क्या होगा, 2/11 150 प्लस 90। तो 2/11 कितना आ जाएगा, देखिएगा 0/4 240, यानी कि 480/11। तो m बराबर कितना आ गया, 480/11 अभी सॉल्व किया हुआ था, तो 480/11 कितना होता है, 43/7/11। अब मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 2/11, तो ये कितना है, 150 माइनस 90, 150 में से 90 सबट्रैक्ट कर दिया, 2/11 × 60, तो कितना आ जाएगा, 120/11। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 10/10/11। 120/11 क्या होता है, 10/10/11, यानी कि 5 बजकर, पहले हम पहला इनिशियल टाइम लेंगे, 5 बजकर 10 सही 10/11 और 5 बजकर 43 सही 7/11 मिनट में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के समकोण होंगी स्टूडेंट्स। तो परपेंडिकुलर के दो आंसर हैं, एक तो ये होगा, आंसर क्या होगा देखिएगा, पहले हम कम वाला टाइम लेंगे, 10/10/11, 43/7/11, दो आंसर देंगे यहां पर, ऑप्शन में दो आंसर होंगे, क्योंकि प्रत्येक घंटे में घंटे तथा मिनट की सुइयां दो बार एक दूसरे के समकोण होती है, दैट्स वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से 9 बजे के बीच किस समय घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। When the time between 8 and 9, in which time hours needle and minutes needle are opposite to each other. 8 से 9 बजे के बीच की बात की गई है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 8 बजकर m मिनट। तो स्टूडेंट्स आंसर होगा हमारा 8 बजकर m मिनट। तो m बराबर क्या होता है, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। विपरीत के लिए एंगल क्या होगा, अपोजिट के लिए एंगल होता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, m बराबर क्या आ जाएगा, 2/11 30 × h की वैल्यू क्या होगी, 8, क्योंकि आंसर हमारा 8 बजकर m मिनट होगा। 8 से 9 बजे के बीच में हम ये तो बोलेंगे 8 बजकर इतने मिनट, तो h की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस माइनस एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो अब देखिएगा, m बराबर 2/11, देखो 8 × 3 = 240 आ रहा है ना, 30 h की वैल्यू क्या है, 240। अब 240 बड़ा है 180 से, 30 h की वैल्यू देखो, ये 30h की वैल्यू क्या है हमारी, 30h की वैल्यू 240 है, और 240 बड़ा है किससे, 180 से, तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा।
अब देखो दो आंसर नहीं होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं एक बार नेगेटिव ले लेते हैं जो ऑप्शन में होगा, ऐसा नहीं होगा, वहां पर सिर्फ दोनों ऑप्शन होंगे, एक बार पॉजिटिव ले लोगे तो वो भी ऑप्शन में होगा और नेगेटिव लोगे तो वो भी ऑप्शन में होगा, लेकिन दोनों में से एक ही सही होगा, लेकिन होंगे दोनों ऑप्शन में। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे, बिकॉज 30h इज ग्रेटर देन एंगल है, अगर 30h इज लेस देन एंगल होता तब हम यहां पर पॉजिटिव करते। तो 2 अपॉन 11 तो कितना आएगा 240 माइनस 180, तो m बराबर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 11, 240 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0, 14 में से 8 6 60, यानी कि m बराबर क्या आ जाएगा 120 अपॉन 11, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 होल 10 अपॉन 11। आंसर क्या होगा, 8:10 से ही 10:11 मिनट में घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, लेकिन ऑप्शन में वो भी जरूर होगा अगर हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, यहां पर पॉजिटिव ले लेते हैं माना, वो भी ऑप्शन में होगा, राइट कौन सा होगा यहां पर 10 होल 10 अपॉन 11। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लॉक को कंप्लीट करेंगे, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।